हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आए हैं तो कुछ सीख कर दे फ्रेंड। ये चैनल आपका नॉलेज जरूर इन्हांस कर रहा होगा और इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट 50 रखता हूं, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर पानीपत रिफाइनरी एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा था, उसका लास्ट पार्ट है आज, वो पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के अंत में आज भी आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लिखिएगा तो आप ही के सब कॉन्शियस माइंड में जाकर वो बैठेगा, रोचिस आपको एग्जाम में बाहर आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यूलर इक्वेशन इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम। यूलर थ्योरी जो होता है, या फिर यूलर्स इक्वेशन बोल सकते हैं, वो लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। रेनकाइन थ्योरी बोलेंगे वो कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के लिए वैलिड होता है। तो दोनों दोनों में ये चीज़ डिफरेंस है। चलिए डिफरेंस को कैसे याद रखेंगे वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए, यूलर्स में ए ला गया, यूलर्स के अंदर ए लाया ना भाई, तो किसके लिए हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम के लिए। किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। और रेनकाइन में एल नहीं आता है, ठीक है, या फिर शॉर्ट एस भी नहीं आता है, तो दोनों में से कोई भी नहीं आता है, तो दोनों कॉलम के लिए वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यूलर्स में एल आता है इसलिए लॉन्ग कॉलम के लिए, और रेनकाइन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैस थ्योरी इज अप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी बोलेगा, जो कि ब्रिटल मटेरियल के लिए रहता है, या फिर अगर गेस्ट बोलेगा, या फिर गेस्ट के बाद और कुछ भी बोलेगा ना, तो उस केस में डक्टाइल मटेरियल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि ब्रिटल मटेरियल के लिए रहता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ यू फॉर्क इन यूनिवर्सल ज्वाइंट इज 1, 2, 3, या फिर 4। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ यू फॉर्क इन यूनिवर्सल ज्वाइंट इज कितना होता है, तो देखिए यू फॉर्क और क्या होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा और ऐसे रहता है, और कुछ इस टाइप से आएगा और उसके पीछे ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे पिन से कनेक्ट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट। और ये इस डायरेक्शन में मूवेबल भी रहता है। और कितना यू फॉर्क हुआ, एक यहाँ पे हो गया एक, और एक यहाँ पे हो गया दो, तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में दो दो यू फॉर्क रहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग मटेरियल इज स्टिफनेस, रिजिडिटी, टफनेस, या फिर रिजिलियंस। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजिलियंस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कि स्प्रिंग कितना दबेगा, या फिर उसका और प्रॉपर्टी होता है, उसमें कितना शियर स्ट्रेस लगेगा, या फिर अलग अलग प्रॉपर्टी भी होता है उसके अंदर, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो स्प्रिंग के लिए रिजिलियंस जिम्मेवार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया फ्रेंड, इसरो में कई बार पूछा जा चुका है, SSJEE में पूछा जा चुका है, पाइपलाइन डिवीजन में आ चुका है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज इनकास्टर बीम, कॉन्स्टेंट बीम, बिल्ट इन बीम, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर स्क्रीन शूट करके भी रख सकते हैं। एग्जॉस्ट कलर ऑफ पेट्रोल इंजन इज ब्लू, ग्रे, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर पेट्रोल इंजन के केस में बोल रहा है तो ब्लू एंड ग्रे दोनों राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन के केस बोलेगा तो उस केस में ब्लैक कलर का स्मोक निकलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं आगे। इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल फॉर रेसिस्टिंग शॉक इज मेलियबिलिटी, टेंसिटी, ब्रिटलनेस, या फिर टफनेस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ चुका है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर,
टफनेस हो जाएगा अगर मटेरियल को शॉक रेसिस्टेंस होना है तो, ठीक है, और टफनेस उसके अंदर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द डिजाइन स्ट्रेस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर वर्क मॉडुलस, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ तो इसका माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल अच्छे से दीजिएगा एग्जाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेस एंड डिजाइन स्ट्रेस के रेशियो को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा जाता है, बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवेट हेड यूज फॉर बॉयलर प्लेट रिवेटिंग इज यूजुअली स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर सांक हेड या फिर कोनिकल, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक स्नैप हेड हो जाएगा। स्नैप हेड रिबेट को बॉयलर प्लेट के केस में यूज़ किया जाता है। कैसा होता है स्नैप हेड रिबेट? तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसा होता है और यहाँ से ऐसे जाएगा, सामने से पीछे जाएगा और ये इस प्रकार से होता है, तो इसको हम लोग स्नैप हेड रिबेट बोलते हैं। और इसका हेड ये वाला होता है, इसको हम लोग स्नैप हेड रिबेट बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल वर्क में भी इसका यूज होता है, तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट इज ऑलवेज इन डॉट 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 सीयर, जीरो, सिंगल, डबल या फिर नन ऑफ दिस, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगल सीयर। देखिए सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, सबसे पहले समझिए बट ज्वाइंट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये ऐसे एक ज्वाइंट है, अरे एक ऐसे ज्वाइंट है, दोनों के एज टू एज अगर हमको ज्वाइंट करवाना है तो इसको हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं। और स्ट्रैप का मतलब हो तो ऊपर से एक प्लेट रख दिए इसके ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पे रिबेट कर दिए, एक यहाँ पे रिबेट कर दिए, ठीक है ना, तो उस केस में इसको सिंगल स्ट्रैप बोला जाता है। एक ऊपर में प्लेट रख दिए, उसको सिंगल स्ट्रैप। और जब भी क्या होगा, ये सीयर ऑफ होगा, ये दोनों यहाँ से सीयर ऑफ होगा, तो कितने सीयर ऑफ होगा, एक ही जगह पे ना, एक ही प्लेट लगवा तो एक जगह से सीयर ऑफ होगा, ये इतना से टूट जाएगा, इतना से टूट जाएगा, एक ही जगह से सीयर ऑफ होगा, ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, और डबल स्ट्रैप रहेगा तो दो जगह से सीयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट आर डिजाइंड फॉर डॉट 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 स्ट्रेंथ, टेंसाइल, कंप्रेशन, बेंडिंग या फिर सीयर, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेंसाइल। देखिए याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, जैसे ही ट्रांसवर्स आया, ट्रांसवर्स जैसे ही आया तो टी से ट्रांसवर्स और टी से टेंसाइल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। जैसे ही पैरल आएगा, पैरल, तो उसको आप सीयर मारिएगा, पी एस याद रखिएगा, टी से टी याद रखिएगा, पी से पी याद रखिएगा, दोनों आंसर सही हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट आर डिजाइंड फॉर डॉट 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 स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सीयर स्ट्रेंथ या फिर नन ऑफ दिस, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, सीयर स्ट्रेस। मैंने अभी बताया ना कि टी फोर टेंसाइल और टी फोर कौन सा ट्रांसवर्स एंड पी फोर पैरेलल एंड एस फोर सीयर, टीटीपीएस मैंने याद रखवाया आपको, क्या क्या याद रखना है, टी टी ट्रांसवर्स के लिए टेंसाइल और पैरेलल के लिए सीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड आर नोन एज माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर या फिर नन ऑफ दिस, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइनर डायमीटर। स्मॉलर डायमीटर बोलेगा, स्मॉलेस्ट डायमीटर तो माइनर हो जाएगा, अगर लार्जेस्ट बोलेगा तो उसके इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मेजर हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं? तो कोई भी और दिक्कत हो तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थियोरी इज यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल या फिर नन फेरस मटेरियल, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थियोरी ब्रिटल मटेरियल के लिए अप्लीकेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या फिर 40 मीटर, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 मीटर। बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा, 30 मीटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि हाइट होता है किसका,
ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ईजी है यार, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज कोल, कोक, वुड या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोक हो जाएगा। यही मेन है जो कि कंबसन प्रोवाइड करवाता है और हीट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे बर्निंग होती है और हीट प्रोड्यूस होती है जो मेंटेन टेम्परेचर हमको चाहिए, और मिनिमम स्मोक में मिनिमम स्मोक प्रोड्यूस किए सबसे ज़्यादा हीट कोई प्रोड्यूस करता है तो उसका नाम है कोक, और यही इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, और स्टील का ग्रेड को अगर मेंटेन करना है, उसको बचाना है कि कितना तक हम लोग को रखना है, तो उस केस में स्टील स्क्रैप का यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टील एलॉय कंटेनिंग 36% निकेल इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, हीट रेसिस्टिंग, हाई स्पीड स्टील या फिर इनवार। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनवार हो जाएगा। इनवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो कि हम लोग मेजरिंग टेप जो यूज़ करते हैं फील्ड के लिए, सर्वेइंग के लिए, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। किसका, इनवार का। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है मेजरिंग टेप में। अगर उसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं फील्ड में ले जा करके, और वहाँ का टेम्परेचर कभी 45 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 10 डिग्री ऐसा रहे, और वो टेम्परेचर के साथ सेंसिटिव रहे, जैसे टेम्परेचर करे वो वेरी कर जाए, तो जो हम लोग मेजर करके आएंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए इसका किसका बना होता है, इनवार का बना रहता है। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नियर अबाउट जीरो रहता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैलेट हैमर इज मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिज। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जो मैलेट हैमर होता है वो वुड एंड प्लास्टिक का बना रहता है। वैसे जगह पे जहाँ पे ठोकना है किसी चीज़ को, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग मेटेलिक से उस पर हीट करें तो टूटने का चांस रहता है, तो इसको सॉफ्ट हैमर भी बोला जाता है, या कि वुड या फिर प्लास्टिक का बना रहता है। ठीक है, और नॉन स्पार्किंग हैमर की बात करेगा तो ब्रास का बना रहता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जहाँ पे प्लांट में थोड़ा सा भी मतलब गैस वाला प्लांट है, गैस का एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी हैमर से ऐसे नहीं करते हैं कि चलो कोई भी हैमर उठाओ उसको मारो, नहीं यार, वहाँ अगर स्पार्क होगा तो कैच द फायर, मतलब आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके उसमें नॉन स्पार्किंग हैमर जो कि ब्रास का बना रहता है उसका यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल जिसको हम ठोकेंगे तो टूटने का संभावना है उसके लिए हम लोग मैलेट हैमर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवे इज कट बाय क्रॉस कट चीजल, कैप चीजल, डायमंड चीजल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये तीनों के तीनों केस में इससे कीवे को कट किया जा सकता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रॉइंग डाउन इज ए प्रोसेस ऑफ डॉट 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 द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ड्रॉइंग डाउन बोलेगा तो उस केस में क्रॉस सेक्शन घटता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं आगे, आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। द कोल्ड चीजल आर मेड फ्रॉम कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील या फिर कास्ट टूल स्टील। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप पॉज करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और तीनों का आंसर एक बार देने के बाद उसको पोस्ट कीजिएगा। ए हेक्स ऑफ ब्लेड इज कट ऑन द फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोड्यूसेस डॉट 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 चिप, कंटिन्यूस चिप, डिसकंटिन्यूस चिप, सेगमेंटल या फिर एनी ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और तीनों के एक बार लिखने के बाद पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू।